चर्चित है, ये निकलता हुआ खनक सिक्सर। ठीक 9:07 पर इस इनिंग की शुरुआत हुई है। बिल की
जो पेनल्टी की बात चल रही है वो हर मिनट के लिए 2 रन है या हर बॉल के लिए दो दो रन्स? ओके, सो 30 मिनट्स के बाद जितने भी मिनट्स आप एक्स्ट्रा लगाएंगे अपने 7 ओवर को कंप्लीट करने के लिए, फॉर एवरी सिंगल मिनट देर विल बी 2 रन्स पेनल्टी। इट्स वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम आर कमिटी JYF। हालांकि कमिटी ये चाहती नहीं कि किसी को पेनलाइज किया जाए, दैट्स व्हाई वी आर इन्फॉर्मिंग ऑल द टीम कैप्टन्स अगेन एंड अगेन, एंड आई थिंक 30 मिनट्स इज मोर देन इनफ टू फिनिश योर 7 ओवर्स। दो ओवर समाप्त हुआ था, उस समय रन संख्या थी 26, और जब तीसरा ओवर चल रहा है इस वक्त जो रन संख्या है स्कोर बोर्ड पर वो है 29 रन्स। हर्षित के बैट से एक सिक्सर देखने को मिला, एक सिक्सर लगाया था रितेश ने जो आउट होकर पवेलियन लौटे हैं। तीसरी ओवर में गेंदबाजी करते हुए मनीष, और मनीष का जो गेंदबाजी एक्शन है वो काफी निराला है। जहां से गेंदबाजी की क्रीज स्टार्ट होती है वहीं पर उनका आखिरी कदम आता है, और इस नजरिए से अगर देखा जाए तो 22 यार्ड का जो पिच है उनके लिए 23 यार्ड या 24 यार्ड का लगता होगा, बिकॉज थोड़ा सा दूर से गेंदबाजी करते हैं। एवरी एवरी बॉलर हैज गॉट देयर वे ऑफ बॉलिंग, देयर स्टाइल ऑफ बॉलिंग, एंड दिस इज वन ऑफ देम। मनीष लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी, इस ओवर में 4 गेंदें अब तक हुई है और सिर्फ 6 रन दिया है। वी कैन से इट्स अ गुड बॉलिंग इफ यू फिनिश योर ओवर बाय कंसीडिंग मे बी 6 7 8 रन्स इन 7 ओवर्स गेम, देन इट्स ओके बॉलिंग फॉर एनी बॉलर। अगर 8 रन से ज्यादा देते हैं देन इट कैन बी एक्सपेंसिव ओवर, और अगर आप 4 या 3 रन देकर 7 ओवर के मुकाबले में अपना ओवर समाप्त करते हैं किसी भी फॉर्मेट में, सिर्फ 7 ओवर का ही नहीं अगर 50 ओवर 20 ओवर का भी मुकाबला हो और 3 4 रन देकर अपना ओवर मुकम्मल करते हैं तो एक अच्छी गेंदबाजी कही जाती है। और अगर इस तरह से आपको 3 4 रन देकर ओवर समाप्त करना है तो वाइड गेंदों से, नो बॉल से, एक्स्ट्रा से तो परहेज करना पड़ेगा। यह आखिरी गेंद इस ओवर की हल्के हाथों से टैप किया बल्लेबाज विशाल ने और 1 रन के लिए निकले। 3 ओवर यहां पर हुआ समाप्त और 3 ओवर के बाद स्कोर है 34 एक विकेट के नुकसान पर। अंपायर का इशारा था वह पावर प्ले का। पिछला ओवर 4 मिनट में कंप्लीट किया गेंदबाज मनीष ने, इसके बावजूद कि 3 वाइड गेंदें आई थी। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल दी कैप्टन्स कि 30 मिनट्स के अंदर अपनी एक इनिंग कंप्लीट करनी है आपको। गुड सेंसिबल बैटिंग बाय विशाल, टेकिंग एन इंपॉर्टेंट सिंगल ऑन ईच एंड एवरी बॉल ओवर नंबर 4 विच इज अ पावर प्ले ओवर। लेट्स सी हर्षित का बल्ला इस ओवर में किस तरह से बोलता है। पावर प्ले में हमने अब तक इस पूरे इवेंट में एक ओवर में सबसे ज्यादा 20 रन देखे, और यहां पर हर्षित के बल्ले से निकलता हुआ एक करारा प्रहार, गेंद जाती हुई मरीन ड्राइव की सैर के लिए अर्ली मॉर्निंग जॉगिंग पर, यह निकलता हुआ धनक सिक्सर।
and that was a juicy full toss for the batsman. Guided it away at deep point for four runs. One more Dhanaksh ka chauka. Raj Diamonds, Shining Star, Kartivi Ballebazi. ये अच्छी वापसी गेंदबाज के द्वारा प्रतीक कर रहे हैं इस पावर प्ले में गेंदबाजी लेग बाय के रूप में ये एक रन टोटल जो रनों की संख्या है वो आगे बढ़कर पहुंचती हुई 46 रनों पे JYPL सीजन 2 प्रेजेंटेड बाय JYF अगेन अ गुड बॉल Pratik after conceding sixer and a four. A good comeback by Pratik. Ek single uske baad ye dot delivery. Fourth comes to an end. Char over ki samapti ke baad. इस समय स्कोर है 47 एक विकेट के नुकसान के बाद पांचवें ओवर की शुरुआत श्रीपाल आए हैं गेंदबाजी आक्रमण पर ये पांचवा ओवर फर्स्ट इनिंग का 30 मिनट्स मैक्सिमम 30 मिनट्स यू हैव गॉट टू कंप्लीट योर 7 ओवर्स और इस मरतबा व्हाट अ वे टू कंप्लीट 50 मार्क 50 रन टीम के पूरे होते हुए ये निकला धनक्ष का सिक्सर वो लग दी लाहौर दिया जिस हिसाब ना हंस दिया वो लग दी पंजाब दिया जिस हिसाब ना तक दिया वो लग दी लाहौर दिया जिस हिसाब ना हंस दिया कुड़ी दा पता करो किड़े पिंड दिया किड़े शहर पचास का आंकड़ा पार हो चुका है थैंक यू डीजे और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इस एडिशन में JYF कमेटी ने एक बहुत ही बेहतरीन निर्णय ये भी लिया है कि जितने भी खिलाड़ी हैं सभी को खेलने का मौका मिले आपको चार टॉप बैट्समैन का नाम देना पड़ता है जिसमें से सिर्फ दो जन गेंदबाजी कर सकते हैं बाकी जो पांच प्लेयर के अलावा जो रोटेशनल लाइन प्लेयर्स हैं उन सभी को या तो बल्लेबाजी का मौका मिलना चाहिए या तो गेंदबाजी का मौका मिलना चाहिए तो इस लिहाज से हर एक टीम के कैप्टन इस बात का भी ध्यान रखें
कि जो गेंदबाज को या जो खिलाड़ी को अब तक बल्लेबाजी या गेंदबाजी नहीं मिली है, आपको उनको कंपल्सरीली गेंदबाजी या बल्लेबाजी में डालना ही है, और किस तरह से आप मैनेज करते हैं वो आपको देखना है। बिकॉज अगर कोई प्लेयर है जिसको जिसके ऊपर आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है एंड यू आर श्योर दैट यू विल नॉट टेक हिम फॉर द थर्ड मैच, तो सेकेंड मैच में ही आपको उसको गेंदबाजी या बल्लेबाजी में डालना पड़ेगा। और लीग के मैचेस में ही ये रोटेशन होना चाहिए। वी कैन नॉट कीप इट फॉर क्वार्टर फाइनल्स एंड सेमीफाइनल। लीग मैच तक, आपके तीनों मैचेस तक हर एक खिलाड़ी को या तो बल्लेबाजी मिलनी चाहिए या गेंदबाजी मिलनी चाहिए। दैट्स द वन मोर यूनिक रूल ऑफ दिस इवेंट थ्रू विच एवरी प्लेयर गेट्स अ चांस टू प्ले। ओवर कंप्लीट हुआ यहां पर एक और, पांच ओवर की हुई समाप्ति और पांच ओवर के बाद स्कोर है 60 रन 1 विकेट। थैंक यू। नए ओवर की शुरुआत हुई। शांति डायनामाइट्स 22 मिनट्स हो चुके हैं, सो दो ओवर के लिए 8 मिनट का समय है आपके पास। आई नो इट्स इट डज नॉट लुक गुड टू स्पीक अबाउट टाइमिंग ऑन द माइक, बट कीपिंग द मैचेस विच हैज टू बी प्लेड टुडे इन माइंड, आई थिंक ये चीज थोड़ा सा जरूरी आज रहेगी। सभी कैप्टन्स को बार बार याद दिलाना, एक बार जहन में बात आ जाती है कि 30 मिनट ही है और बार बार माइक पर आवाज भी आती है, तो कैप्टन्स के लिए भी फिर समय का ध्यान देना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अदरवाइज इन द इमोशन ऑफ गेम वो फ्लो में थोड़ा सा जहन से निकल जाता है। दैट्स व्हाई विल कीप ऑन अनाउंसिंग द टाइम एज वेल ओवर द माइक कि कितना समय हुआ है और कितना समय और बाकी है आपको आपके 7 ओवर मुकम्मल करने के लिए। प्रतीक कर रहे हैं गेंदबाज जी। टोटल स्कोर हो गया है 63, ये ओवर नंबर 6 चलता हुआ, और इस बार हर्षित के बल्ले से निकलता हुआ एक और लाजवाब स्ट्रोक, ये धनक्ष सिक्सर। धनक्ष सिक्सर पिछली गेंद पर और उसके बाद विकेट का पतन। बल्लेबाज भी थोड़ा सा सपोर्ट करें प्लीज, क्विकली आ जाए बैट्समैन। और 30 मिनट के बाद अगर मिनट बढ़ेगा तो एम्पायर्स ये भी कंसीडर करेंगे कि बल्लेबाजी टीम से कितना देरी हुई है, तो वो टाइम बल्लेबाजी की टीम जब गेंदबाजी करेगी तो उसमें ऑलरेडी एडअप होकर आएगा। तो प्लीज सभी टीमों का कॉपरेशन चाहिए। नए बल्लेबाज पहुंचते हुए चिराग, टोटल जो स्कोर है इस समय 6th ओवर चलता हुआ, द स्कोर इज 70। इज द स्कोर 2 विकेट्स। Good feeling. So end of over number 6.
और 6 ओवर के बाद जो स्कोर है वो है 70 दो विकेटों के नुकसान पर। नेक्स्ट मैच जो खेला जाना है आज के दिन का वो होगा आरएसबीएल रॉयल्स और भैरव स्पार्टन्स के दरमियान। द मोमेंट दिस फर्स्ट इनिंग विल गेट ओवर विल गो फॉर द टॉप विल डू द टॉस ऑन द स्टेज। रिकेश करेंगे गेंदबाजी लास्ट ओवर ऑफ दिस इनिंग्स। फर्स्ट बॉल इज अ वाइड। आरएसबीएल रॉयल्स के कैप्टन और भैरव स्पार्टन्स के कैप्टन रेडी रहे। अगला मैच ये दोनों ही टीमों के दरमियान है और जैसे ये फर्स्ट इनिंग कंप्लीट होगी जो कि आखिरी ओवर चल रहा है हम तुरंत अगले मैच का टॉस करेंगे। और ये निकलता हुआ बल्लेबाज चिराग के बैट से धनक सिक्सर निकलता हुआ यहाँ पर चिराग के बैट से धनक सिक्सर। और ये विकेट का पतन होता हुआ 76 इनफैक्ट 77 के स्कोर पर ये तीसरे विकेट का हुआ पतन। चिराग जिन्होंने एक सिक्सर लगाया एंड द टीम मेट्स आर वेरी हैप्पी। चिराग के बल्ले से निकला था सिक्सर और अब नए बल्लेबाज पहुंचते हुए मैदान पर भावेश जो होंगे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। इस मर्तबा विशाल के बैट से ये निकलता हुआ एक और धनक सिक्सर आखिरी ओवर में निकलते हुए सिक्सर। एक सिक्सर निकला था चिराग के बैट से और इस मर्तबा सिक्सर निकलता हुआ विशाल के बैट से। सो दो सिक्सर्स इस ओवर में आए और टोटल जो रन संख्या है वो आगे बढ़कर पहुंचती हुई 83 रन्स पर 3 विकेटों के नुकसान के बाद। और आखिरी ओवर की कुछ गेंदे हैं शेष 3 to be very precise। विशाल वांटेड सेकंड रन और कीपर से हुई मिस ये गेंद और 3 रन होते हुए मुकम्मल। आखिरी ओवर में ताबड़तोड़ रन्स बनते हुए बल्लेबाजी कर रही टीम राज डायमंड्स शाइनिंग स्टार्स के लिए 86 होता हुआ स्कोर 86। टू मोर रन्स लास्ट बॉल टू गो 88 इज द स्कोर। और आखिरी गेंद पर भावेश के बैट से निकलता हुआ ये स्ट्रोक 2 रन मुकम्मल हो जाने चाहिए लेकिन मुश्किल नजर आ रहा है 1 रन और 1 विकेट। 89 रन्स बने और ये आखिरी गेंद पर चौथा विकेट गिरा। 90 रन्स का है टारगेट एंड गाइस यू कैन हैव अ लुक एट टाइम एज वेल। एग्जैक्टली 30 मिनट्स में ये पहली इनिंग कंप्लीट हुई। सो इन 2 मिनट्स वी हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट इनिंग। टीम राज डायमंड शाइनिंग स्टार ने टारगेट दिया है 90 रनों का और शांति डायनामाइट्स अब करेगी बल्लेबाजी। 2 मिनट के भीतर सेकेंड इनिंग की शुरुआत हो जानी चाहिए और ये 2 मिनट में हम चलेंगे अगले मैच के टॉस के लिए जो कि आरएसबीएल रॉयल्स के आरएसबीएल रॉयल्स और भैरव स्पार्टन्स के दरमियान है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कैप्टन आ जाए टॉस के लिए मंच पर भैरव स्पार्टन्स के कैप्टन और आरएसबीएल रॉयल्स। Thank you, DJ.
भैरव स्पार्टन्स के कैप्टन जहां कहीं भी हो मंच पर तुरंत आ जाएं। आरएसबीएल रॉयल्स के कैप्टन मंच की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ा चुके हैं भैरव। और सलामी बल्लेबाज प्लीज, फील्डिंग टीम राज डायमंड शाइनिंग स्टार तुरंत अपनी फील्डिंग सजा ले। ऑलरेडी 1 मिनट फिनिश हो गया है, 1 मिनट के अंदर नेक्स्ट मतलब सेकेंड इनिंग की फर्स्ट बॉल डिलीवर हो जानी चाहिए। थोड़ा सा कॉपरेट करें प्लीज, सभी टीमों से ये गुजारिश रहेगी कि सभी का कॉपरेशन रिक्वायर्ड है, सभी लोग थोड़ा कॉपरेट करें, टीम प्लेयर्स, ओनर्स, कैप्टन्स। अगला मैच जो कि आरएसबीएल रॉयल्स और उनके अपोनेंट होंगे भैरव स्पार्टन्स। आरएसबीएल रॉयल्स के कैप्टन यहां पर आ चुके हैं और भैरव स्पार्टन्स के कैप्टन से मेरी गुजारिश रहेगी कि वो जहां कहीं भी हो तुरंत टॉस के लिए मंच की तरफ आ जाएं। JYPL सीजन 2 चल रहा है जिसे प्रेजेंट किया है JYF ने। पहला मैच जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए राज डायमंड शाइनिंग स्टार ने 89 रन बनाए 7 ओवर में और 90 रनों का लक्ष्य सुनिश्चित किया है शांति डायनामाइट्स के सामने। वी आर वेटिंग फॉर भैरव स्पार्टन्स कैप्टन फॉर द टॉस। भैरव स्पार्टन्स टीम आई है क्या यहाँ पर अभी तक? JYPL सीजन 2 प्रेजेंटेड बाय JYF। राज डायमंड शाइनिंग स्टार सर, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, कैन वी स्टार्ट द मैच क्विकली प्लीज। इट्स अ गुड स्प्रिट टीम, प्लीज सर थोड़ा सा क्विकली, वी नीड अ कोऑपरेशन फ्रॉम एवरीवन। यस थैंक यू सर। भैरव स्पार्टन्स के कैप्टन जहां कहीं भी हो टॉस के लिए आ जाए। JYF कमिटी आई थिंक भैरव स्पार्टन्स के कैप्टन, अच्छा ही इज रेडी, ओके सर प्लीज कम। और टीम शांति डायनामाइट्स के बल्लेबाज भी निकल चुके हैं, दैट्स गुड साइन। क्विकली वी हैव टू स्टार्ट द गेम। 9:37 पे फर्स्ट इनिंग कंप्लीट हुई थी, लेट से लेट 9:40 ये इनिंग चालू हो जानी चाहिए। इट्स ऑलरेडी 9:39, ऑलमोस्ट 9:40 होने को है। भैरव स्पार्टन्स के कैप्टन राज डायमंड शाइनिंग स्टार, यू हैव ऑलरेडी टेकन योर टाइम, सो प्लीज डोंट वेस्ट टाइम एंड स्टार्ट योर मैच क्विकली। चलिए सेकेंड इनिंग की शुरुआत होती हुई और समय शुरू हो चुका है 9:41 सेकेंड इनिंग की शुरुआत होती हुई। 9:41 वी आर स्टार्टिंग द सेकेंड इनिंग। कैप्टन रितेश आई थिंक योर टाइम हैज ऑलरेडी बिगन, सो द मोर यू वेस्ट योर टाइम अकॉर्डिंगली चांसेस रहेंगे कि अनवांटेडली विल हैव टू पेनलाइज टीम इफ दे आर नॉट फिनिशिंग देयर 7 ओवर्स इन 30 मिनट्स। और बैटिंग टीम अपने बल्लेबाजों का नाम बताने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव तुरंत स्कोरर के पास भेजें। सो वी आर हियर फॉर द नेक्स्ट मैच टॉस विच इज बिटवीन RSBL Royals and Bharat Spartans. Both the captains are here, and to do the honor of flipping the coin, may I request someone from JYF committee to please come on the stage. Rakesh bhai, koi bhi ek jan stage par aa jaye toss ke liye JYF committee se, ya Bhavesh bhai available ho wo aa jaye, koi bhi ek jan aa jaye please toss ke liye. Second inning ki bhi shuruaat ho chuki hai maidan par, 90 is the target. Hamare toss ka boss, जितने भी घर बैठे दर्शक हैं आप सभी जानते हैं कि हर एक टॉस के समय हमारे टॉस के बॉस को हम मंच पर बुला रहे हैं। हमारे टॉस का बॉस स्पॉन्सर है यूआरबी की तरफ से रितेश भाई। कल मैचेस लगातार सभी टीमों ने खेले हैं इसलिए सुबह के वक्त
हैं हमारे दरमियान रितेश भाई, और ऐसे में हमारे बीच में JYF कमेटी मेंबर भावेश यहां पर हैं, और कुछ और मेहमान जो हैं वो आ रहे हैं टॉस करने के लिए। मुनी रॉकर्स के ओनर श्रीमान दिनेश जी और उनके साथ संजय जी यहां पर हैं। सो दिनेश भाई और संजय सर, प्लीज सर कम हियर, कम दिस साइड, और टॉस करेंगे संजय भाई मुनी रॉकर्स की तरफ से। सेकेंड मैच का टॉस, एक तरफ है हमारे टॉस के बॉस URB और दूसरी तरफ है ये इवेंट का नाम JYPL। संतोष भाई विल गिव द कॉल, JYPL इज द कॉल, एंड URB इट इज। सो RSBL रॉयल्स ने टॉस जीता है। रवि क्या करना पसंद करेंगे? ऑफ कोर्स बैटिंग, बैटिंग फर्स्ट। सुबह के समय नॉर्मली ज्यादातर लोग फील्डिंग लेते हैं, लेकिन RSBL रॉयल्स पहले बल्लेबाजी, क्या प्लान है इसके पीछे? बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारा, अच्छा, और हमको फर्क नहीं गिरता पिच कैसे भी, अगर स्लोली नीचे से खेले दो तीन ओवर बॉल एक बार थोड़ा वो हो जाए तो फिर मार सकते हैं। तो 7 ओवर में कितने रन मारने का प्रयास करेगी RSBL रॉयल्स की टीम आज? 75-80। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि कल RSBL ने जो मैच खेला वो उनके फेवर में नहीं गया था, तो आज उम्मीद यही रहेगी कि पहले विदाउट एनी प्रेशर बल्लेबाजी करते हुए 70-75 रन बनाने का प्रयास किया जाएगा और फिर दबाव डाला जाएगा भैरव स्पार्टन्स के ऊपर। लेकिन भैरव स्पार्टन्स की जब बात की जाए तो भैरव स्पार्टन्स ने अपना पहला मैच पूरे जोर शोर के साथ जीत हासिल की और 4 ओवर के भीतर ही, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4 ओवर के अंदर ही उन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया था। आज का क्या प्लान है सर? सर प्लान तो ये है कि टॉस हार गए हैं लेकिन मैच विन करना है। ये हुई ना बात, टॉस किसके भी फेवर में जाए लेकिन मैच हमारे फेवर में आना चाहिए। संतोष दी कैप्टन ऑफ भैरव स्पार्टन्स, ऑल द बेस्ट टू बोथ द कैप्टन्स। एंड यहां पर हमारे बीच में संतोष भाई टीम के कैप्टन भी हैं और इफ आई एम नॉट रॉन्ग ओनर भी हैं भैरव स्पार्टन्स के, जो हमारे साथ इस मरतबा सेकंड एडिशन में फर्स्ट टाइम जुड़े हैं। मुनी रॉकर्स के ओनर भी हमारे बीच में हैं, साथ में श्रीमान संजय जी भी यहां पर मौजूद हैं। सर मैं चाहूंगा कि सुबह का समय है और ज्वेलरी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले जितने भी लोग हैं, बहुत हार्डली ऐसा मौका होता होगा कि इतने सारे लोग मैदान पर एक समय पर नजर आए। यही तो एंथ्यू है JYPL के हिसाब से, यही इतना एंथ्यू दिखने को मिल रहा है, जो बिजनेस छोड़ के आज ग्राउंड पे वो लोग हैं। और मैं तो मतलब यही रिक्वेस्ट है कि उसको और बड़ा करें, मतलब 3 डेज से 4 डेज पे आए तो मजा आएगा और भी। और जिस हिसाब से आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, मुझे तो ये भी खबरें आ रही है कि आने वाले 1-2 एडिशन में हो सकता है हम वानखेड़े में JYPL रखें। 100% वी आर विद देम, वी आर। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी कुछ चर्चाएं चल रही थी कि अगर इसी तरह से लोगों का और हमारे स्पॉन्सर्स का सपोर्ट मिलता रहा तो जो इंडिविजुअल प्राइजेस हैं उसमें भी हम 4-व्हीलर 2-व्हीलर ये भी आने वाले समय में रखेंगे, ऐसे डिस्कशन चल रहे हैं। इसमें क्या लगता है, क्या इन सभी चीजों से जिस तरह से हमारे स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं और जिस तरह से आप सभी लोगों का सपोर्ट है, मैं चाहूंगा कि आपका अनुभव कैसा है यहां पर आने के बाद सभी लोगों को एक साथ जुड़ता हुआ देखकर, डायमंड इंडस्ट्री, गोल्डन इंडस्ट्री, पूरी ज्वेलरी इंडस्ट्री के सभी लोगों को एक साथ देखकर, हाउ इज योर एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब इसमें ऐसा है ना कि प्लेयर्स है ना, प्लेयर्स जो भी ये टाइम 224 है, नेक्स्ट टाइम वी आर एक्सपेक्टिंग 400 प्लेयर्स कि वो आगे आए और इसी मतलब इसको इस इवेंट को और भी बड़ा करें। थैंक्स, थैंक यू सो मच सर। मुनी रॉकर्स के ओनर भी हैं सर, प्लीज, अच्छा ज्वाइंट ओनर है, सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर स्पॉन्सरशिप एंड ओनरशिप ऑफ मुनी रॉकर्स। और यहाँ पर चलता हुआ फोटो सेशन, चलते हैं मैदान की तरफ भी क्योंकि दूसरी इनिंग की शुरुआत हो चुकी है। थैंक यू सो मच एवरीवन फ्रॉम द स्टेज। अच्छा, दिस इज अनाउंसमेंट फॉर मुनी रॉकर्स। जैसा कि सभी टीमें जानती, सॉरी शांति डायनामाइट्स मुनी रॉकर्स का अगला हमारे जो स्पॉन्सर हैं वो बीच में मौजूद हैं, जिनके हाथों से टॉस हुआ अगले मैच का। शांति डायनामाइट्स आपके एक प्लेयर हैं जिन्होंने अब तक गेंदबाजी और बल्लेबाजी नहीं की है, सो थर्ड मैच में वो खेलने वाले हैं, नहीं खेलने वाले हैं, अकॉर्डिंगली उनको आपको बल्लेबाजी देनी ही पड़ेगी टॉप फोर में। यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट प्लेयर। सो ये सब नियम आप लोगों को पहले ही बता दिए गए हैं कि 3 लीग के मैचेस में हर एक खिलाड़ी को या तो बैटिंग मिलनी चाहिए टॉप 4 में या फिर बॉलिंग मिलनी चाहिए। तो एक खिलाड़ी ऐसे हैं
शांति डायनामाइट्स के, जिनको अब तक गेंदबाजी नहीं मिली है और पिछले मैच में बल्लेबाजी गेंदबाजी नहीं मिल पाई थी, क्योंकि ये भी एक चीज हम बार बार ध्यान रख रहे हैं कि जितने भी प्लेयर्स हैं सभी को मौका मिले, या तो बल्लेबाजी का या गेंदबाजी का, लीग के मैचेस में, लीग में सभी को मौका मिले, फिर अगर आप क्वार्टर फाइनल में पहुंचते हैं देन यू कैन प्ले अकॉर्डिंग टू योर फिफ्थ प्लेयर्स जिनको आप ज्यादा पसंद करते हैं, बट लीग के मैचेस में सभी को आपको मौका देना है। और इस दरमियान ये विकेट का पतन, 90 है टारगेट, 1.2 ओवर्स में 23 रन्स और ये विकेट का पतन। न्यू बैट्समैन आए हैं मनीष, द टारगेट इज 90 रन्स। एंड समय की अगर बात की जाए तो 9:41 पर शुरुआत हुई थी इस इनिंग की। सेकेंड इनिंग की रफ्तार अब तक बहुत धीमी है गेंदबाजी की, टीम राज डायमंड शाइनिंग स्टार थोड़ा सा ओवर रेट को बढ़ाना होगा। ऑलमोस्ट 7-8 मिनट्स हो चुके हैं और अभी भी दूसरा ओवर ही चल रहा है। 30 मिनट्स, दैट्स ऑल, you have got 30 minutes to finish your 7 overs. और इस दरमियान रिकेश का विकेट गिरता हुआ, हर्षित ने दिला दी एक और सफलता, विकेट नंबर 2 का पतन। देखिए, टू बी वेरी क्लियर, शांति डायनामाइट्स, आपने अभी तक रुचित को बैटिंग या बॉलिंग नहीं दी है। टॉप 4 में उन्होंने बैटिंग की है अगर तो ठीक है, ओके, चलिए विल जस्ट चेक दैट। और इस दरमियान एक और विकेट का यहां पर होता हुआ पतन। क्या यहां पर हैट्रिक मुकम्मल हुई? विल जस्ट चेक विद दैट स्कोरर। 2 विकेट्स लगातार निकले हैं, इनफैक्ट ये ओवर की यहां पर समाप्त तो हो गई है, बाकी ये बॉल सर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ओवर समाप्त हुआ यहां पर 2, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 24, 2 विकेट। राज डायमंड्स रनिंग स्टार सर, आपने 2 ओवर के लिए ऑलरेडी 10 मिनट ले लिए हैं। रितेश भाई, कैप्टन प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, 2 ओवर के लिए ऑलरेडी 10 मिनट आपने ले लिए हैं सर। या आई अंडरस्टैंड, बट
और इस बार मनीष के बल्ले से निकलता हुआ तीसरे ओवर की शुरुआत हुई और पहली ही गेंद पर यह धनक्ष चौका। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। मनीष एंड सनी, दीज आर द टू बैट्समैन, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स। नेक्स्ट मैच आरएसबीएल रॉयल्स और भैरव स्पार्टन्स के दरमियान है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया आरएसबीएल रॉयल्स की टीम ने, एंड यू कैन हैव अ लुक ऑन योर यूट्यूब स्क्रीन की तैयारियां चलती हुई अगले मैच की भी। Very wide throw. Third over. राज डायमंड्स शाइनिंग स्टार, 90 रनों का लक्ष्य दिया है राज डायमंड शाइनिंग स्टार ने। संजीव करते हुए गेंदबाजी, थर्टी टू इज द स्कोर। आवर टाइटल स्पॉन्सर ज्वेल स्टार, पावर्ड बाय ऑस्कर हॉलमार्क सेंटर, इवेंट इनॉग्रल एंड लॉजिस्टिक अंबे एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स। और इस बार मनीष के बल्ले से निकलता हुआ स्ट्रोक, मिड विकेट में खिलाड़ी है लेकिन उनकी पहुंच से देर गोंद, गेंद दूर और ये निकलता हुआ धनक्ष का चौका। धनक्ष चौका, तीसरा ओवर समाप्त हुआ और तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 36 तीन विकेट के नुकसान पर। एम्पायर का इशारा आता हुआ पावर प्ले का, तीन ओवर 36 और अब 24 बॉल पे 54 रन चाहिए, 24 बॉल्स में 54। सभी टीमें थोड़ा सा समय का ध्यान देंगी प्लीज, 30 मिनट में 7 ओवर मुकम्मल करने हैं। टोटल स्कोर सो फार इज 36। मनीष एंड सनी, दीज आर द टू बैट्समैन। पहली बॉल पर आया सिंगल, आई रिक्वेस्ट नेक्स्ट टू टीम प्लेयर्स टू बी रेडी फॉर देयर मैच, आरएसबीएल रॉयल्स एंड भैरव डायनामाइट्स।
इस बार रक्षात्मक अंदाज में खेला मनीष ने। जब तक मनीष है वहां पर तब तक शांति डायनामाइट्स के लिए 90 रन भले ही क्यों ना हो लेकिन जीत की उम्मीदें बरकरार हैं। और अगली मैच में जहां आरएसबीएल रॉयल्स और भैरव स्पार्टन्स का मैच है, प्लेइंग 11 अब तक आया नहीं है। मैं गुजारिश करूंगा कैप्टन से भैरव स्पार्टन्स और आरएसबीएल रॉयल्स अपने प्लेइंग 11 का रजिस्ट्रेशन करवा दें प्लीज। आरएसबीएल रॉयल्स और भैरव स्पार्टन्स, आरएसबीएल के कैप्टन रवि और भैरव स्पार्टन्स के कैप्टन संतोष भाई प्लेइंग 11 का रजिस्ट्रेशन करवा दें। और इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना है कि कौन टॉप फोर में बैटिंग करने आएगा, सभी को बैटिंग या बॉलिंग मिल रही है या नहीं, वो भी आपको खास ध्यान रखना है सभी टीमों को। इट्स नॉट ओनली एप्लीकेबल टू वन और टू टीम, इट्स एप्लीकेबल टू ऑल द टीम्स। यू हैव टू मेक श्योर दैट आपके सभी खिलाड़ियों को बल्लेबाजी या गेंदबाजी मिलनी चाहिए टॉप फोर में, जिस तरह से आप नाम देते हैं या फिर गेंदबाजी का मौका। ओप नंबर 4 RSBL Royals, आपके कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप भी अपना प्लेइंग 11 बता दें और कौन टॉप फोर में आने वाला है वो भी, क्योंकि आपकी पहले बल्लेबाजी है। ओवर कंप्लीट हुआ 4 और 4 ओवर के बाद टोटल स्कोर है 42 और अब 18 बॉल पे जीतने के लिए 48 रन की जरूरत, 18 बॉल्स 48। We have been continuously announcing about the 30 minutes. Today we have to complete at least 12 matches. Agar mauka raha to we'll go for 13th match as well. Ritesh aaye hain gendbazi ke liye. Icon player, captain of Raj Diamonds, shining star. और इस बार मनीष के बल्ले से निकला स्ट्रोक, हर्षित है वहां पर एंड ही विल मेक नो मिस्टेक, वन ऑफ द सेफेस्ट हैंड ऑफ राज डायमंड शाइनिंग स्टार। हर्षित ने पकड़ा कैच और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट अगर देखा जाए राज डायमंड्स के नजरिए से। मनीष इज आउट। नए बल्लेबाज आई थिंक श्रीपाल जी आ रहे हैं, न्यू बैट्समैन Shripal is the new batsman in. JYPL की एक और अच्छी बात यह है कि हर एडिशन में प्लेयर ऑक्शन होता है, इसके चलते हमने देखा कि रितेश जो पिछले एडिशन में ज्वेल स्टार टीम में खेल रहे थे, इस बार राज डायमंड शाइनिंग स्टार में उनका सिलेक्शन हुआ है ओनर के द्वारा और काफी खुश हैं आइकन प्लेयर रितेश को लेने के बाद राज डायमंड शाइनिंग स्टार के ओनर, जो इस समय कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हैं। ओनर्स की अगर बात की जाए तो राज डायमंड शाइनिंग स्टार के ओनर रवि जैन और ऋषि जैन। स्क्वायर लेग में खेला गया स्ट्रोक, एक रन,
मिला और दूसरे रन की कोशिश कर रहे थे बल्लेबाज सनी, लेकिन नए बल्लेबाज श्रीपाल ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। और लगातार स्लो ओवर डिलीवरी का फायदा उठाते हुए गेंदबाज, ओवर समाप्त हो गया यहां पर 5 और 5 ओवर की समाप्ति के बाद 43 चार विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर में रितेश ने सिर्फ 1 रन खर्च किया और एक सफलता भी, बड़ी सफलता हासिल की। सो गुड बॉलिंग बाय रितेश, कंसीडेड ओनली 1 रन, 12 बॉल पे अब 47 की है जरूरत। श्रीपाल आए हैं गेंदबाजी के लिए, जिन्हें प्रेम से राज डायमंड शाइनिंग स्टार के सभी प्लेयर्स बंटी के नाम से पुकारते हैं। छठे ओवर की शुरुआत, और अब तो जब 12 गेंदों में 47 की जरूरत हो तो एक ही चारा है, वो है सिक्सर या चौका लगाना। यहां पर दूसरे रन की कोशिश थी, एक और बल्लेबाज आउट होता हुआ, राज डायमंड शाइनिंग स्टार को एक और मिलती हुई सफलता। एंड इट्स गुड टू सी द कैप्टन इज सेइंग कि वी हैव लिमिटेड टाइम, सो डोंट कम फॉर सेलिब्रेशन ऑफ अ विकेट, विल सेलिब्रेट वंस वी विल विन द गेम। रितेश द कैप्टन ऑफ राज डायमंड शाइनिंग स्टार, और अगर शांति डायनामाइट्स की बात की जाए तो शांति डायनामाइट्स के टीम के कैप्टन हैं मनीष, बाएं हाथ के बल्लेबाज, आउट होकर पवेलियन लौटे। जब तक मनीष थे तब तक उम्मीदें लगातार बरकरार थी, लेकिन उनके आउट होने के बाद रनों में भी गिरावट आई और अब यहां से थोड़ा सा सफर मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी पॉसिबल तो है, मुश्किल जरूर है लेकिन पॉसिबल है, और उसके लिए चाहिए लगातार चौके सिक्सर। बल्लेबाजी करते हुए डायनामाइट्स टीम, शांति डायनामाइट्स की टीम के ओनर हैं शशांक जगावत फ्रॉम शांति गोल्ड। एक और अच्छी गेंद, स्कोर अभी भी 45 रन पर, ओवर चलता हुआ 6। There is a fielder and one more good catch. One more wicket in this over. Again, is that Harshit? Yes. New batsman Pratik. RSBL Royals or Bhairav Spartans ki team, please अपने मैच के लिए रेडी हो जाएं। ओवर नंबर 6 चलता हुआ, टोटल स्कोर है 46, विकेट्स गिरे 6।
आखिरी ओवर की हुई शुरुआत और पहली गेंद नो बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से और नो बॉल पर निकलता हुआ ये धनक्ष चौका। इस चौके की मदद से 50 का आंकड़ा पार हुआ है, टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 52 रन्स पर, टारगेट है 90। अब 6 गेंदों में 38 रन्स और चाहिए। और यहां पर एक आसान सा कैच, प्रतीक आउट होकर पवेलियन की तरफ, 52 के स्कोर पर विकेट का पतन। विशाल ने पकड़ा ये कैच जो डीप में इस समय मौजूद है, 52 के स्कोर पर एक और विकेट। सतीश इज द न्यू बैट्समैन इन, स्ट्राइकिंग एंड पर है बल्लेबाज श्रीपाल। आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने के लिए अमित को बुलाया गया है। पहली गेंद थोड़ी सी दिशाहीन थी लेकिन उसके बाद अच्छी गेंदें दोनों ही, एक पे विकेट भी मिला, उसके बाद यह सिंगल। और यहां पर जब भी गेंद हवा में जा रही है ऐसा लग रहा है मानो हर्षित से गेंद को प्यार है और हर्षित के हाथ, जी हां, गेंद को हर्षित से प्यार है, हर बार गेंद हर्षित के हाथों में जाती हुई। एक और कैच हर्षित के हाथ में, पहले बल्लेबाजी करते हुए भी जबरदस्त बैटिंग की और तकरीबन 30+ रन्स बनाए, 38 रन्स बनाए टू बी वेरी प्रिसाइज, 18 बॉल में 38 रन और कैचेस भी लगातार। और गेंदबाजी करते हुए हर्षित ने, अगर उनके गेंदबाजी का समीकरण बताया जाए तो 2 ओवर में 9 रन देकर 3 सफलताएं भी ली। सो हर्षित ने आज अपना जस्टिफिकेशन दिया, अपनी प्रेजेंस का जस्टिफिकेशन दिया कि मैं अगर टीम में हूं तो मेरी इंपॉर्टेंस क्या क्या है। और कोई भी खिलाड़ी कहते ना कि जब एक बार आपको दिल पे चोट लगती है तो आपके लिए आगे बुद्धि बढ़ती है। कल जो गलतियां की राज डायमंड्स ने, आज उन सभी पर सुधार किया। और इसी के साथ यहां पर यह पहला मैच समाप्त हुआ। और दोस्तों देखिए कितना समय के हिसाब से यहां पर गेंदबाजी हुई, एग्जैक्टली 30 मिनट्स, 10:11 पर इनिंग कंप्लीट हो गई। सो 2 मिनट के अंदर हमें अगली मैच की शुरुआत करनी है। ये मैच में जीत हासिल की है 31 रन से टीम राज डायमंड्स शाइनिंग स्टार ने। कॉन्ग्रेचुलेशंस राज डायमंड शाइनिंग स्टार टीम। भैरव स्पार्टन्स तुरंत आ जाए मैदान पर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हमारे 2 ऑफिशियल्स मैदान पर हैं और नेक्स्ट 2 ऑफिशियल्स, 2 एम्पायर्स और जा रहे हैं मैदान पर। हर्षित जिन्होंने 38 रन बनाए 18 बॉल में, 2 ओवर में 9 रन देकर 3 सफलताएं हासिल की। और कैचेस की अगर बात की जाए तो 1-2-3 कैचेस भी इन्होंने पकड़े। टीम भैरव डायनामाइट्स खिलाड़ियों को भेज दे तुरंत मैदान पर। सलामी बल्लेबाज आ चुके हैं और हमारे अंपायर्स भी रेडी है मैदान पर।
So Bhairav Dynamites, please send your players on the ground and spread your fielding. दोस्तों हमारे फूड के स्पॉन्सर हैं यूनिक चेन. ब्रेकफास्ट का काउंटर ओपन है. जिस किसी ने भी अब तक ब्रेकफास्ट ना किया हो वो जल्द से जल्द ब्रेकफास्ट कर लें. हम लोग पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच भी प्रेजेंट करने जा रहे हैं और हमारे मैन ऑफ द मैच के जो स्पॉन्सर हैं वो है RSBL. मैं गुजारिश करूंगा JYF कमेटी से कि मुझे बता दें कि किस मेहमान के हाथ से ये मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाएगा. चलिए दोस्तों पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच देने के लिए इस वक्त सबसे खुश कोई व्यक्ति है, सबसे प्रसन्न कोई व्यक्ति है, तो उनके हाथों से देते हैं. आप सभी जानते हैं पिछला मैच जहां पर राज डायमंड शाइनिंग स्टार की टीम ने जीत हासिल की है और राज डायमंड शाइनिंग स्टार के जो टीम ओनर हैं राज डायमंड की तरफ से रवि और ऋषि है. सो इस समय मंच पर ऋषि यहाँ पर आ चुके हैं. मैं चाहूंगा कि रवि भी अगर अवेलेबल हो तो वो भी आ जाए मंच पर. राज डायमंड शाइनिंग स्टार ने कल उनके फेवर में मैच नहीं आया था लेकिन आज जिस तरह से परफॉर्मेंस हुआ बहुत ही लाजवाब अंदाज से और हमारे दरमियान हमारे किट पार्टनर संगम ज्वेल्स की तरफ से भी मेहमान यहां पर पधारे हैं. सर आप भी आगे आ जाइए. श्रीमान पंकज सोलंकी जी हमारे बीच में मौजूद हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं पिछला मैच जिसमें राज डायमंड्स शाइनिंग स्टार ने जीत हासिल की और जीत हासिल करने में वो खिलाड़ी जिन्होंने बल्लेबाजी भी लाजवाब की, गेंदबाजी भी लाजवाब की और जब भी गेंद हवा में उठ रही थी तो वो एक ही खिलाड़ी के पास जा रही थी और वो है हर्षित. मैन ऑफ द मैच के हकदार बनते हुए हर्षित 18 बॉल पे 38 रन्स, 4 सिक्सर, 1 चौका, गेंदबाजी करते हुए 2 ओवर में 9 रन और 3 विकेट और 4 कैचेस भी इन्होंने पकड़े. सो मैन ऑफ द मैच के हकदार है हर्षित. संगम ज्वेल्स के पंकज भाई जो हमारे किट पार्टनर हैं साथ ही साथ राज डायमंड शाइनिंग स्टार के टीम ओनर्स रवि एंड ऋषि, कांग्रेचुलेशंस. और हर्षित भाई आइए. नया मुकाबला भी शुरू हो रहा है तो हम शॉर्ट डिस्कस करेंगे. हर्षित कल आपकी टीम का परफॉर्मेंस इतना बेहतरीन नहीं रहा था, क्या ये दिल पे चोट लगने के बाद आज परफॉर्म